हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मरुस्थल के बारे में जिसको आप मरुस्थल बोलिए या खंडहर बोलिए, कोई फर्क नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है और कहां पाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टकला मकान मरुस्थल के बारे में, जो कि मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। इसका अधिकांश भाग चाइना में है और सिंजियांग प्रांत में पड़ता है, या दक्षिण में कुलून पूर्व पर्वत श्रृंखला, पश्चिम से पारमीर पर्वतमाला और उत्तर से तियांशान की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। डारेम नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। डारेम नदी का अधिकांश बेसिन इसके अंतर्गत आता है। पूर्व से पश्चिम इस मरुस्थल की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र उपजाऊ था, बौद्ध संस्कृति का केंद्र था, लेकिन अब यह शुष्क एवं निर्जन प्रदेश, जहाँ बालू के 3000 फुट या इससे भी ऊँचे टीले पाए जाते हैं। यह संसार के बालू के टीलों में संभवतः सबसे अधिक भयावह तथा वास्तविक मरुस्थल है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है तथा जहाँ कहीं भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ अच्छी तरह से फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। इस मरुस्थल भूमि किनारों पर कई मशरूम उद्यान तथा कारवा मार्ग है। यारकेंद्र तथा कोतान प्रमुख मरुद्यान है। स्वीडन के अन्वेषक स्वेडन एंडर्स हेडिन द्वारा टकला मकान में महत्वपूर्ण अन्वेषण किए गए, जैसे कि इसके नाम की उत्पत्ति भूवैज्ञानिकों ने टकला मकान के नाम के स्रोत को लेकर मतभेद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह अरबी भाषा के तर्क यानी अलग करना और मकान यानी जगह के मिश्रण से बना है। यह दोनों शब्द अगर एक में मिक्स करें, अरबी में इसे उइगुर भाषा में भी आए हुए हैं तो, और हिंदी में भी। दूसरे विशेषज्ञों की राय है कि यह तुर्की भाषाओं के तकलार मकान से आया है, जिसका अर्थ खंडहरों की जगह। या अफवाह भी आम है कि टकला मकान का मतलब अंदर जाओगे तो बाहर कभी नहीं निकलोगे, या फिर मौत का रेगिस्तान है, लेकिन यह महज गलत अवधारणाएं ही हैं। टकला मकान का कुल क्षेत्र 337,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें तारिम द्रोणी भी शामिल है। इसके उत्तरी और दक्षिणी छोरों से रेशम मार्ग की दो अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, क्योंकि प्राचीन यात्री इस रेगिस्तान के बीच से निकलने से कतराते थे। इसमें 85% इलाका हिलती हुई रेत के टीलों का है, और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खिसकने वाले रेतीले टीलों का रेगिस्तान है। चीन ने 20वीं शताब्दी में इसके दक्षिणी भाग में स्थित खोतान नगर से उत्तरी भाग में स्थित लुनताई शहर के बीच एक सड़क बना दी, जो बीच रेगिस्तान से गुजरती। पिछले कुछ सालों से कुछ उपजाऊ इलाके भी रेत की चपेट में आ गए हैं और टकला मकान थोड़ा सा और फैल गया है। टकला मकान एक ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि साइबेरिया के समीप होने से यहाँ सर्द हवाएं आसानी से पहुंच जाती हैं। सर्दियों में यहाँ तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। हालांकि शुष्क परिस्थितियों की वजह से यहाँ ज़्यादा बर्फ नहीं गिरती, फिर भी सन 2008 में पूरे टकला मकान में बर्फ की एक पतली परत जम गई थी, जो कि वो दृश्य देखने लायक। टकला मकान के अंदरूनी भाग में पानी बहुत कम है और इसमें प्रवेश करना खतरनाक है। फिर भी इसके इर्द गिर्द के कुछ शहरों में मरुद्यान थे, जहां रेशम मार्ग पर चल रहे यात्री सुस्ताने के लिए रुकते थे। इसमें से बहुत से नगर अब खंडहर बन चुके हैं, और इतिहासकारों का यहाँ खोजने पर तुषारी प्राचीन यूनानी, भारतीय और बौद्ध प्रभाव के चिन्ह मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी टकला मकान मरुस्थल के बारे में। जल्द ही मिलते हैं एक नए मरुस्थल के बारे में और एक नए वीडियो में चर्चा करेंगे कि रेशम मार्ग क्या है। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।